एक बात कहूँ आप सभी को, डोंट फॉलो द रोड मैप ऑफ रियल मी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13, ठीक है? क्योंकि रियल मी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 के रोड मैप अकॉर्डिंग कुछ भी अपडेट रियल मी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो सीरियस टॉपिक है। और आज भी रियल मी ने उसी रोड मैप से बाहर जाके बहुत से डिवाइस के अंदर रियल मी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट, बीटा अपडेट और एलेक्सिस अपडेट प्रोवाइड करा है। कौन कौन से डिवाइस के अंदर अपडेट प्रोवाइड करेंगे बात करेंगे वीडियो में। और ये जो अपडेट से सबसे पहले 5G डिवाइसेस को देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैंने कल ही ये सोच रहा था कि एच एस 5G को आई थिंक पहला अपडेट प्रोवाइड कर देगा, और रेडमी ने एच एस 5G को भी प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है। और रियलमी जो है रोड मैप को फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली नोटिस फॉलो कर रहा है, बट नोटिस से बाहर जाके भी अपडेट प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको हर एक दिन रियलमी कौन से डिवाइस के अंदर अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, किस रिक्वायरमेंट पर अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिस कॉल पर क्लिक करना था, कैसे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो रियलमी का इस मंथ का जो अपडेट नोटिस था, इस मंथ हमें स्टेबल अपडेट मिलना चाहिए था रियलमी GT Neo 3T के अंदर, बट रियलमी ने रियलमी Narzo 50 Pro 5G के अंदर भी रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट आज रोल आउट कर दिया है इस मंथ, मतलब दिसंबर 2022 में। आप समझ सकते हो बाहर जाके अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे किस तरह से आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा, क्या अपडेट, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अपडेट है आपको देखने को मिलता है स्टेबल अपडेट रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का 3.04 वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करें किस किस यूजर्स को सबसे पहले ये जो अपडेट है देखने को मिलेगा। अगर आप बीटा अपडेट यूज़र हो, अगर आप एलेक्सिस अपडेट यूज़र हो एंड्रॉइड 13 का, तो आपको सबसे पहले जो है रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा रियलमी Narzo 50 Pro 5G के अंदर। अगर आप बीटा यूज़र्स नहीं हो, अगर आप एंड्रॉइड 12 यूज़र हो, तो आपको ये अपडेट कैसे देखने को मिलेगा पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड वर्जन है। अगर आपके डिवाइस में 8.06 या फिर 8.07 दोनों में से अगर OTA वर्जन में एक भी है, तो आप इजीली इस अपडेट को कर सकते हो। बाय द वे कितने लोगों को ये अपडेट देखने को मिला है नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों रियलमी 8S 5G के अंदर रियलमी ने रोड मैप से बाहर जाकर रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट प्रोवाइड कर दिया है। अगर बात करें Q1 2023 के आखिर में 8S 5G को अपडेट मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे December 2022 में ही इसे अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये गजब हो रहा है यहाँ पे, रियलमी का मन मर्जी चल रहा है किसे पहले दो किसे आखिर में दो, ठीक है। GT मास्टर एडिशन को दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि GT सीरीज का डिवाइस है, प्रीमियम डिवाइस है, उसे मिल जाना चाहिए था इस मंथ भी। तो यहाँ पे बात करें किस तरह से आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, आप रोड मैप को मत फॉलो करिए, ठीक है। रोड मैप अकॉर्डिंग कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है, आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम हर दिन जो अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको भेज रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करें इसे कैसे आप अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, तो यहाँ पर बात करें रियलमी ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर दिया है 8S 5G के अंदर, उसी अकॉर्डिंग आपको जो अपडेट देखने को मिलेगा अगर आपके पास है तभी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्जन रियलमी ने कह दिया है 3.06 या फिर 3.07 दोनों में से अगर एक भी OTA वर्जन आपके डिवाइस में है, तो आप इजीली इस अपडेट को एंड्रॉइड 13 बेस रियलमी 4.0 बेस जो अपडेट है 8S 5G के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा 8.01 वर्जन आपका रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रायल अपडेट है, इसके बाद आपको बीटा देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको जो है स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, रोड मैप नहीं चल रहा है, सिर्फ नोटिस चल रहा है, नोटिस से बाहर जाकर भी अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि 29 तारीख को जो है रियलमी GT Neo 3T के अंदर जो है अपडेट देखने को मिलेगा 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का, कल के वीडियो में मैंने कहा था। और दोस्तों जो अपडेट है 29 तारीख को ही रोल आउट कर दिया गया है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे डेट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये जो अपडेट है किस किस यूजर्स को सबसे पहले देखने को मिलेगा पहले वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप GT Neo 3T के अंदर बीटा यूजर्स हो रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का, तो आपको जो है ये अपडेट 3.04 रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। अगर आप बीटा यूजर्स नहीं हो तो कैसे देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप बीटा यूजर्स नहीं हो तो आपके डिवाइस में कुछ रिक्वायर्ड वर्जन यहाँ पे है, अगर आपके डिवाइस में 8.09 वर्जन है तो आप इजीली इस अपडेट को कर सकते हो। 8.09 एक OTA अपडेट है एंड्रॉइड 12 का, अगर आपके डिवाइस में है तो आपको अंडर 15 डेज जो है अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो पहले कर लीजिए 8.09 को, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा रियलमी GT Neo 3T के अंदर रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट। बाय द वे कितने लोगों को देखने को मिला है नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। तो दोस्तों मैं एक गजब का न्यूज़ दूँ आपको रियलमी 9i 5G रिलेटेड, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। डिवाइस में इतना घटिया बग्स है, मतलब 9i 5G के अंदर, हम इस डिवाइस को कहते हैं जंपिंग डिवाइस, क्यों और किस लिए वो भी आपको पता चल जाएगा इस अपडेट के साथ। ये जो अपडेट है दिसंबर 2022 में रोल आउट किया गया रियलमी 9i 5G के अंदर, ये एंड्रॉइड 12 यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड 13 यूजर्स के लिए नहीं है, ओनली एंड्रॉइड 12 यूजर्स के लिए, जिन्हें अभी तक स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिला है उन लोगों के लिए।
उनके डिवाइस में खतरनाक बग चल रहा है, डिवाइस भी जंप कर रहा है, मतलब डिवाइस का स्क्रीन, डिवाइस नहीं और कैमरा स्क्रीन भी जंप कर रहा है। तो ये जंपिंग डिवाइस इसलिए हम इसे कहते हैं। और इस बग्स को इस अपडेट के साथ जो है 8.14 वर्जन इस अपडेट के साथ फिक्स किया गया है, और इसके अंदर आपको दिसंबर मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाएगा। तो ये फायदेमंद है आप लोगों के लिए, जाइए अभी कभी कर लीजिए, नहीं तो जंपिंग डिवाइस जंप ही करता रहेगा, रुकेगा नहीं। पहले इस अपडेट को करिए और डिवाइस को थोड़ा सा स्टेबल करिए, उसके बाद 13 कर ला, ठीक है। अपडेट मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब सही था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने बात करी रियलमी की तरफ से रोल आउट हुए बहुत सारे अपडेट्स के बारे में आज के। और जो मैं आपको बताऊँ तो रोड मैप अकॉर्डिंग कुछ भी अपडेट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको रोड मैप फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियो में आपको हर रोज़ अपडेट मिलता रहेगा, कहाँ पे कौन सा अपडेट रोल आउट हो रहा है, कहाँ पे कौन से जगह डिवाइस लिस्ट रोल आउट हो रहा है, कौन से रोड मैप पे अकॉर्डिंग जो है अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, तो सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। चलिए आज का वीडियो मैं बोलता हूँ, तब तक के लिए टाटा।